सो हेलो ऑल ऑफ यू। फाइनली जेई एडवांस का पेपर होने ही वाला है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो मैं भी जेई एडवांस के एस्पिरेंट्स के लिए बनाऊं। तो आपने बिल्कुल सही पढ़ा है थंबनेल पे, जेई एडवांस में रैंक लाना बहुत आसान है। ऐसा क्यों है इसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। देखो, सबसे पहला हम क्या चाहते हैं किसी भी एग्जाम में, कि भाई नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम हो, यानी हमारे कंपटीटर कम हो, वो कम हो जिनकी रैंक हमसे जेई मेन में अच्छी थी। तो बिल्कुल यहां वैसा ही होता है, क्योंकि जेई मेन में टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 3 है, अपियरिंग उसके बाद और उसके बाद 13 और 14, बट जेई एडवांस में अपियरिंग और 13 ही है। तो यानी कि जो भी बच्चे जेई मेन में अच्छी रैंक 14 करके लाते, बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो 14 भी करते हैं, ठीक है ना, तो वो जेई एडवांस में अपियर नहीं होंगे। एक तो वो आपका कंपिटिटर घट गया, ठीक है। दूसरा, आप ये चाहते हो कि भाई मैं जब एग्जाम दूं तो मेरे पास टाइम सफिशियंट हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जेई एडवांस के पेपर की यही खासियत है, आपके पास टाइम तो अच्छा रहता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम रहते हैं, ठीक है ना। तो आप एक क्वेश्चन में अपना मतलब पूरा टाइम दे सकते हो। जेई मेन में तो बहुत कम टाइम रहता है, आपको जल्दी जल्दी बनाना रहता है, नहीं बना तो सेकंड क्वेश्चन पे चले जाओ। बट जेई एडवांस में क्या होता है, आपको बढ़िया टाइम मिलता है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम रहते हैं और दो पेपर होते हैं 3-3 घंटे के, एज कम्पेयर टू जेई मेन। मतलब अगर देखो, जेई एडवांस का पेपर का कोई फिक्स नहीं रहता है कि कैसा पेपर आएगा, उसका हर साल थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। आप कभी भी देखोगे कोई भी कोचिंग नहीं कहता है कि जेई एडवांस में इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ऑन एन एवरेज मैं बता रहा हूं, पर सब्जेक्ट 18 क्वेश्चन पर पेपर में आते हैं, जैसे जेई मेन में 25 आते हैं तो इसमें 18 आते हैं, ठीक है। हाँ, भले ही क्वेश्चन का जो टफनेस है वो थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तीसरा, आप कभी भी कोई एग्जाम देते हो तो ये सोचते होगे कि यार जो क्वेश्चन आए वो ज्यादा टफ नहीं आए, वो ठीक ठाक आए। तो देखो, जेई एडवांस के पेपर में क्वेश्चन टफ भी रहते हैं, क्वेश्चन लेंथी भी रहते हैं और क्वेश्चन इजी भी रहते हैं। बस आपको ये करना रहता है पेपर में बैठ के कि जो इजी इजी क्वेश्चन है उसको ढूंढने रहते हैं, क्योंकि जेई एडवांस में आपके अगर 35% भी आ गए मार्क्स टोटल मार्क्स के, तो आप आराम से आईआईटी के लिए आप काउंसलिंग में अप्लाई कर दोगे, उतनी आपकी रैंक बन जाएगी। तो बस आपका एक माइंडसेट रहना चाहिए कि मुझे इजीएस्ट क्वेश्चन को सिलेक्ट करने हैं उस पेपर से, ठीक है ना। टफ क्वेश्चन को और लेंदी को सेकंड प्रायोरिटी देना और टफ को थर्ड प्रायोरिटी देना। पहला प्रायोरिटी आपको यह ढूंढना है कि आसान आसान क्वेश्चन जो पेपर में दिए गए हैं उन्हें ढूंढना है, और सिलेक्शन भी उसी से हो जाता है। तो सोचो, इतने सारे फैक्टर्स आपके साथ रहते हैं जेई एडवांस के एग्जाम में। और एक और जो बहुत अच्छा पॉइंट है, ये बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, कि जेई एडवांस में रैंक जो आपकी डिक्लेयर होगी वो तभी होगी जब आप कट ऑफ क्लियर करोगे। अगर आप कट ऑफ क्लियर नहीं करोगे तो आपकी रैंक डिक्लेयर वो लोग नहीं करेंगे। जेई मेन में ये होता है कि अगर आप कट ऑफ क्लियर हो या नहीं हो, आपकी रैंक जरूर आपको पता चल जाएगी, लेकिन जेई एडवांस में ऐसा नहीं है। आप अगर कट ऑफ क्लियर करोगे तो ही आपकी रैंक डिक्लेयर होगी, ठीक है। ओवरऑल 26,000 के अप्रोक्स वो लोग स्टूडेंट्स को कट ऑफ क्लियर करवाते हैं, और उसके बाद की बात की जाए तो 12-13-14 हजार तक जिनकी रैंक है उनको IITs में सीट मिल जाए। कुछ अपने तरफ से आप लोगों को टिप्स देना चाहता हूं, जो कि आप जेई एडवांस के एग्जाम से पहले जरूर इसको फॉलो करें। एक तो आप ये चीजें याद रखना जरूर कि आपको वहां पे ओवरऑल कट ऑफ के साथ साथ सब्जेक्ट वाइज भी कट ऑफ क्लियर करना होगा, इसलिए किसी भी सब्जेक्ट को पूरा छोड़ के मत आ जाना, या किसी भी सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा टाइम मत दे देना, क्योंकि हर सब्जेक्ट का आपको सब्जेक्टिव कटअप भी पार करने पड़ेंगे। हालांकि सब्जेक्टिव कटअप बहुत कम ही रहते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट पार कर जाते हैं, लेकिन मेरे दोस्त के साथ पिछले बार यही हो गया था, उसकी रैंक तो बहुत अच्छी मतलब बनी थी, लेकिन उसके मार्क्स अच्छे आए थे, लेकिन जो उसका सब्जेक्टिव कटअप था मैथ का वो क्लियर वो नहीं कर पाया था। तो ये गलती आप बिल्कुल ही मत करना। दूसरा, मेरी तरफ से ये टिप्स है दोस्तों कि जे एडवांस का जो पेपर होता है वो दो पेपर होता है एक दिन में, तो पहले पेपर में तो बच्चों में बहुत एनर्जी रहती है, सेकंड पेपर में एनर्जी घट जाती है। तो जो बीच में 2 घंटे का ब्रेक मिल रहा है, तो उस ब्रेक में आप रेस्ट करना कहीं बैठ के कहीं ठंडी जगह पे, और कुछ चिल मतलब जैसे या जूस पी लो या कुछ ऐसा पी लेना जो एनर्जी टाइप का काम करे आपके बॉडी में, या कुछ फ्रूट्स जरूर खा लेना, क्योंकि बहुत दिक्कतें हो जाती है। मैं भी जब सेकंड पेपर दे रहा था तो यार नींद भी आने लगती है, आपकी भले ही प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो दोनों स्वरूप में, क्योंकि एक दिन में दो पेपर देना और वो भी मतलब जेई एडवांस का देना थोड़ा सा बड़ी बात तो है। उसीलिए आप मतलब अपना आज से ही मतलब अभी जो टाइम है उसमें आप ये कोशिश करो कि आप एक दिन में दो पेपर अटेम्प्ट कर पाओ, इससे आपको डेफिनेटली एग्जाम में फायदा होने वाला है अगर आप ऐसा करोगे। तो मैंने लगभग बहुत सारे पॉइंट कवर कर दिए हैं। आप जेई एडवांस का एग्जाम अच्छे से दो, मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, और उसके बाद भी मैं आपकी काफी हेल्प करूंगा काउंसलिंग में भी, और भी आपने अगर किसी चीज का एग्जाम दिया हुआ उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।